अच्छा लैपटॉप की स्क्रीन से ओपन है सर जी? जी बॉस ओपन है। ठीक है, वहाँ पे दराज मेन फीचर्स के नाम की एक स्लाइड होगी जी सर, उस स्लाइड पे एक दफा देखें। उस पे दराज का होम पेज हमें नजर आ रहा है जी, लेफ्ट साइड पे हमारे कैटेगरीज हैं, सेंटर में बिल्कुल उसके कैजुअल एड्स चल रही हैं जो कि उनकी प्रमोशंस में, नीचे भी एक प्रमोशन चल रही है। उसके अगर आप बिल्कुल एंड पे देखेंगे वहां पे आपको एक छोटा सा लोगो बना नजर आएगा डीएम के नाम से, दराज मॉल के नाम से। उसके साथ ग्लोबल कलेक्शंस हैं, प्रमोशंस हैं, रिचार्ज, ई स्टोर है और डी मार्ट है। ये हमें पांच उन्होंने अपने ऑप्शंस दी हुई हैं। डी मॉल में आ जाता है कि अगर कोई बंदा बिजनेस अकाउंट बनाता है, एक मर्चेंट है, उसमें डी मॉल की ऑप्शन नहीं आती दराज मॉल की। उसमें दराज मॉल में ये होता है कि वो हमें डी मॉल की एक छोटी सी एक उनका अपना मैन्युफैक्चर स्टोर है जहाँ पे वो हमें ऑप्शन देते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट दूसरों की निस्बत थोड़ा सा प्रमोशन वाइज अच्छा करने के लिए हम वहाँ पे अपने प्रोडक्ट रख सकते हैं। ग्लोबल कलेक्शन में होता है कि दराज का अलीबाबा के साथ हो गया, तो अलीबाबा के साथ अटैच है, तो इसलिए वो अलीबाबा के साथ ग्लोबल कलेक्शन में आप जिसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ठीक है, श्रीलंका भी इंक्लूड है, कि आप यहाँ पे भी दराज के थ्रू चीज़ें बेच सकते हैं। प्रमोशंस आ जाती हैं, रिचार्ज, ई स्टोर आ जाता है, डी मार्ट आ जाता है। डी मार्ट दराज का एक अपना स्टोर है जहाँ पे खाली जो प्रॉपर ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के वही वहाँ पे लिस्ट हो सकते हैं, उसके अलावा कोई बंदा नहीं वहाँ पे लिस्टिंग कर सकता। अगली स्लाइड पे चलते हैं। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है? कोई भी जो चीज़ जो सेल आप करना चाहते हैं या सेल हो सकती है वो आपका प्रोडक्ट है, वो चाहे एक पेन से लेके चाहे कार भी हो सकती है, कुछ भी आ सकता है उस चीज़ में। दूसरी स्लाइड में है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट कैसे चूज करेंगे कि आप लोग के ये मैंने प्रोडक्ट सेल करना है, अपना प्रोडक्ट क्या सिलेक्ट करना है कि जिससे आपको सेल्स मिले, आपकी इनकम बढ़े। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसकी सेल्स, उसकी परचेजिंग, कितने लोग उसे ले रहे हैं, कितने लोग नहीं लेते, उसके फीडबैक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो सब कुछ उसकी प्रोडक्ट हंटिंग में एंटर हो जाते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद इसमें कैटेगरीज में अगर आप जाएंगे ना, आपको शो हो रहा होगा वुमेन्स फैशन। जैसे पहला है, अगर आप वुमेन फैशन ओपन करेंगे ना, ये इसका टायर वन है कैटेगरी का, इसके आगे आपको एक और टायर ओपन मिल जाएगा। आप करें सब इधर लाइव, इस पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सारी चीजें, कोई भी एक चीज अपनी चूज करें। हाँ जी, उसके आगे आपको टाइप टू भी शो हो रहा है। हाँ जी, उसके उस टाइप टू में से किसी भी एक टाइप के ऊपर आप दोबारा से अपना एरो ले, तो सब टाइटल 3 भी आ जाता है। सर टाइप 3 आ गया, ये इसके नीशेज हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब इनमें से आप अपनी मर्जी से, मेन जो डिपेंड करता है ना वो टायर 1 में आती है चीज। हाँ जी, कीवर्ड्स में टायर 1 यूज होता है ज्यादा, 90% चांस है कीवर्ड्स में आपका टायर 1 यूज होता है, क्योंकि वो टायर 1 से ही कैटेगरी आगे बनती है आपकी। और कैटेगरी का भी आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके आगे आपको कितनी ऑप्शंस देगा, मोबाइल्स हैं, फीचर फोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, लैंडलाइन फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, बेशुमार इसके आगे से उसने ऑप्शन दे दिया। अगर आप फॉर एग्जांपल मोबाइल पे जाते हो, यहाँ से आगे से मोबाइल एक्सेसरीज से फोन केसेस आ जाते हैं, मतलब कि आगे मोबाइल की क्या क्या चीजें आ रही हैं, सब चीजें A to Z वो आपको यहाँ पे दिखा देता है। ये कैटेगरी इसलिए दिखाने का मतलब है कि इससे आपकी बनती है कीवर्ड्स बनते हैं, आपके कैटेगरी के कीवर्ड्स होते हैं। वो जब आप लिस्ट करते हो ना प्रोडक्ट, आपने टाइटल तो बना दिया, टाइटल आपने 100% A to Z अच्छे कीवर्ड्स यूज करके जो रैंकिंग में है वो आपने बना लिया, लेकिन इन्हीं के बेस पे आपका एक कीवर्ड बनता है और एक टाइटल कीवर्ड बनता है, जिससे लोग या दराज आपको ऊपर लेकर आता है या लोग आपको ज्यादा सर्च करते हैं, इन्हीं तीन चीजों से बनते हैं आप। स्कूप है, स्ट्रेनर स्पून टाइप है, ये ज्यादातर वो होता है कि आपने कोई आगे तो वैसे भी रमजान आ रहा है, ये एक प्रोडक्ट भी है पीछे, अगर इसे आप यूज कर सकते, किचन एक्सेसरीज में यूज होता है आपके जी। अगर आप इसके खाली टाइटल को देखें ना और इसकी रेटिंग देखें, 40 है रेटिंग, यानी कि मैक्सिमम इसकी एवरेज सेल होगी जो हो चुके होंगे ये मैक्सिमम 100 के करीब करीब हो चुके होंगे। लेमन आंसर क्वेश्चन है इसके, और 149 और 50% ऑफ लगा हुआ है, 50% ऑफ है। और अगर रेटिंग्स को देखा जाए तो इसको आपको एक चीज दिखाता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, बिल्कुल ऊपर किचन डाइनिंग लिखा होगा। हाँ जी, किचन डाइनिंग, यस, किचन एंड डाइनिंग, ये इसकी कैटेगरी। ये जब आप टायर वन पे जाओगे ना, वहां आपको सबसे पहले ये दिखाएगा किचन एंड डाइनिंग। हाँ जी, उसके आगे फिर जो ये चीज है ना, ये स्टेप बाय स्टेप एक बनती है कैटेगरी। हाँ जी, उसके हिसाब से ये चीज आपको वहां पे शो करवा। आगे आ जाता है आपका डिनर वेयर में जी, कटलरी आ जाता है,
ये आपकी कीवर्ड्स हैं, ये आपके प्रोडक्ट के कीवर्ड्स हैं, ठीक है, या आप कीवर्ड्स हंटिंग कह सकते हो। आगे आपने अगर टाइटल हंटिंग करनी है, टाइटल हंटिंग में सिर्फ दो चीजें देखते हैं कि एक बंदे की कितनी सेल्स हुई है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, उसके रिव्यूज कैसे हैं, अगर उसके रिव्यूज अच्छे हैं, उसकी सेल्स अच्छी हैं, जो उसने यूज किए हुए हैं कीवर्ड्स, आप उन कीवर्ड्स को 10 नहीं तो 8 नहीं तो जितने भी आपको इजी लगता है बंदों को देख के, जो अगले सेलर्स हैं उनके आप टाइटल में से कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपके प्रोडक्ट के लिए ठीक हैं उन्हें चूज करके एक अच्छा सा सेंटेंस बना के टाइटल बना सकते हैं। ये सिंपल टाइटल की गेम होती है, इसमें आप कीवर्ड्स रैंकिंग ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा टाइटल रैंकिंग पे ही आपका डिपेंड करता है। और आपका ब्रांड बहुत जरूरी होता है, अगर एक बंदा मर्चेंट है उसका बिजनेस अकाउंट नहीं है, अब वो बना देता है नो ब्रांड कभी भी नहीं करना प्रोडक्ट आपका। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सैमसंग का चार्जर है, अगर आप सैमसंग लिखोगे तो कभी भी दराज आपको सैमसंग ब्रांड में लिखने नहीं देगा, तो वो रजिस्टर्ड है, लेकिन वहां पे उसकी 6 से 7 वराइटीज पड़ी हुई है सैमसंग के नाम की। कोई भी बंदा होगा ना तो दराज पे जब वो लिखेगा ना सैमसंग चार्जर, तो दराज सबसे पहले वो ब्रांड जिसका है उसकी दिखाएगा लेयर, लेकिन उसके साथ जो अगले 8 बंदे होंगे ना जिन्होंने खाली के वैरायटीज में सैमसंग लिखा होगा उनके भी साथ शो करवाएगा। कभी भी नो ब्रांड नहीं लिखना, ब्रांड में कुछ भी लिख दें जो आपको अलाउ करता है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, नो ब्रांड कभी भी नहीं करना। नो ब्रांड करेंगे तो किसी ब्रांड में ही शुमार होगा, वो बहुत मुश्किल होता है कि नजर आएगा, नजर भी आएगा तो दूसरे या तीसरे पेज पे आपको नजर आएगा आपका प्रोडक्ट। जो नेम लिख सकते हैं नो ब्रांड की जगह, जो नेम जिस तरह हमारा है के रोड का लिखते हैं, लेकिन वो आपको के रोड बहुत मुश्किल अलाउ करता है वो किसी प्रोडक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल किसी जैसे कि एक स्टोर है जो हमारे पास भी है के रोड है, वो सारे प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड में के रोड नहीं लिखने देता, के रोड कभी भी नहीं लिखने देगा। कभी कभार होता है जैसे कि सैमसंग के चार्जर के ऊपर के रोड था, एयरपोर्ट्स भी थे हमारे पास, एयरपोर्ट्स में वो कभी के रोड नहीं था लिखने दे रहा, एप्पल तो वैसे नहीं लिखने दे रहा था के रोड भी नहीं था लिखने दे रहा, तो हमने एयरपोर्ट प्रो लिखा है साथ में प्लस का साइन था, वो हमारा ब्रांड बन गया। वो कोई भी बंदा आता था जब वो कीवर्ड में ये सर्च करता था ना एयरपोर्ट्स प्रो, तो वो जिन जिन्होंने वो ब्रांड यूज किया हुआ था उनका वो ज्यादा जैसे 5-star रेटिंग 40 है ना, तो ये नहीं कि खाली 40 बंदों ने उसे खरीदा है, उसमें से हो सकता कि 100 नहीं 150 नहीं 200 बंदों ने खरीदा हो, किसी का टाइम हुआ उसने खुश हो गया रेटिंग दे दी, किसी कोई भूल गया हो, ठीक है। अगर तो पहली बात है कि उसका प्रोडक्ट गलत होगा ना तो बंदा नेगेटिव रिव्यू देगा ही देगा, छोड़ेगा नहीं आपको, रिव्यू भी नेगेटिव देगा और रिटर्न भी आपको करेगा। द्रास की इतनी अवेयरनेस उन्होंने लोगों में दे दी है, लेकिन द्रास ने अपनी प्रमोशन और अपनी चीजों से लोगों में इतनी अवेयरनेस दी है कि वो वहां पे अपनी चीज जाके रिटर्न कर सकते हैं, उन्हें जाके अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा इशू है कि कम्युनिटी भी कुछ ऐसी है जो जानबूझ के भी करती है, जो कुछ होते हैं जो अपने दिल के साफ होते हैं वो जो चीज होती है वो डायरेक्ट बताते हैं, रिव्यू में बता देते हैं, रिव्यू में बताने के बाद या आपसे बात करने के बाद आपको रिटर्न करते हैं। कम्युनिटी बेस होता है, कस्टमर आपको अच्छा मिले तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, जो आपके साथ ना कॉन्टेक्ट करना अच्छा समझता हो, वरना कस्टमर्स तो ऑर्डर कर देते हैं चैट तक नहीं करते कि भाई हमें ये मसला आ रहे हैं या कोई इशू आ रहा है। फिर सेलर की होती है, सेलर को चाहिए कि वो कस्टमर को कॉल करे या उसके ऑर्डर आने की बात कर दे कि सर हमारे पास ये चीज़ है, अगर आपको कोई भी इशू हो आप हमसे बात कर सकते हैं, या जब उसे डिलीवर्ड हो जाए देन उससे कॉल कर लें या मैसेज कर लें या कॉल कर लें, आपके पास डाटा तो उनका होता है, तो इससे ये होता है कि कस्टमर थोड़ा सा वो उसे कहते हैं ना काम हो जाता है, जरा पॉजिटिव हो जाता है कि यार नहीं सेलर ने मुझे कॉल की है, मुझे बताया, मुझे इन्फॉर्मेशन दी। इस तरह के आपको काफ़ी अगर आप रिव्यूज़ पढ़ेंगे जिनके साथ हुआ था वो वाकई ही वो चीज़ फिर वहाँ पे टेक्स्ट में लिख देते हैं कि हमारे साथ सेलर का ये बिहेव था। और दूसरी बात कभी इस पर बहस नहीं करनी आपने सेलर के कस्टमर के साथ, वो जो कहता है सर ठीक है, सर आपने जो कहा है वो ठीक है, क्योंकि इसमें दो रेटिंग्स होती हैं, एक होती है सेलर रेटिंग, एक होती है आपकी प्रोडक्ट रेटिंग। प्रोडक्ट रेटिंग वो होती है जो आप देख रहे थे अभी 5-star रेटिंग है, ये प्रोडक्ट है। एक सेलर रेटिंग होती है, सेलर रेटिंग से आपका सेलर रिस्पॉन्स गिर सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान की 100 रेटिंग है तो उसने एक अपने कस्टमर या क्लाइंट के साथ थोड़ा सा बदमीजी कुछ भी ना किया और उस वो अगले का दिमाग खराब हो गया, तो उसने कहा कि नहीं मैंने तो नहीं से छोड़ना, वो आपको एक सेलर रेटिंग में नेगेटिव रिव्यू देगा तो 100 में से आपके 2 पॉइंट्स यानी कि आपके पीछे रहेंगे 90, यानी कि 10 हो तो आपके 20% गिर गए। और द्रास कहता है कि 70% तक सेलर रेटिंग अच्छी होती है, उससे नीचे बुरी, 30% तक अगर आपकी सेलर रेटिंग आ जाती है तो आपका अकाउंट भी डीलिस्ट हो जाता है, चाहे उसमें 50,000 का सामान पड़ा हो, 50,000 की इनकम आनी हो, वो सब बैन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा काम। कस्टमर जो कहता है आप उसे, वो आप पे डिपेंड है कि आप कस्टमर किस तरह सेटिस्फाई करते हैं। अगर आपका मैं जैसे कि छोटी एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास प्रोडक्ट है 50 रुपये का,
कस्टमर ने आप उस पर भी कंप्लेन कर दी है, आपके पास उसका सब डाटा होता है, आप उसे सेटिस्फाई करें। सर आप प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, आप उसे आपका आपकी पॉकेट में या आपके बिजनेस में आपको इतना है कि यार नहीं, मैं अगर आज 50 रुपीज का मैं इन्हें अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए एक प्रोडक्ट नया भेज दूंगा ना, तो मुझे इसका फायदा है। आप वो 50 रुपीज ना देखिएगा, आप ये देखिएगा आपको उसका फायदा, क्योंकि वो आपका एक रिव्यू आपके 10 क्लाइंट्स या 10 कस्टमर्स को और लेकर आएगा आपकी तरफ 50 रुपए। सिंपल सी बात है, 50 लगा के आगे आप ऊपर 500-600 कमा सकते हो। प्रोडक्ट तो आपने चलो जी चूज कर लिया, रैंकिंग भी आपको थोड़ी बहुत आ गई, आपने कहा कि इससे सब रैंक कर सकते, कीवर्ड के थ्रू कर लिया, कीवर्ड्स के साथ आपने रैंकिंग कर ली, टाइटल्स के साथ कर ली, कीवर्ड्स यूज कर ली। मेन बात है, सबसे मेन बात है जब आप चीज़ लेने जाते हो ना प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ आप सबसे पहले आप आपको वो चीज़ सोचते हो ना, तो पहले फिर आपके दिमाग में आता है कि शॉप किधर है, शॉप कहाँ पर है, कहाँ से ये चीज़ मिलेगी, मिलेगी तो कितने की मिलेगी चीज़। जब आप घर का कुछ सामान वगैरह लें, मेन काम होता है सोर्सिंग। प्रोडक्ट आपके दिमाग में 20 आएंगे, लेकिन उन प्रोडक्ट के लिए शॉप आपके दिमाग में एक ही आएगी, जहाँ से सबसे ज़्यादा ये सस्ता मिलेगा, जहाँ से मेरे फायदे का मिलेगा, उसके अलावा आप किसी दूसरी शॉप की तरफ नहीं जाएंगे। तो मेन चीज़ इसमें आ जाती है सोर्सिंग। सोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो सोर्सिंग वाली जगह वो हो जहाँ से आपको प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मिले। अगर आपको आपका जैसे अल्लाह जिस तरह का होता है कि आपके कोई कंपेन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपके पास जो इन्वेंट्री थी खाली हो जाती है, और आप फोन करते हो और अगला कहेंगे भाई मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं पड़ा हुआ, फिर आप क्या करेंगे। सोर्सिंग आपकी वो होनी चाहिए जहाँ से आपको पता हो मैं रात को कॉल करूँ, मैं सुबह करूँ, मैं जिस टाइम मर्जी करूँ, मुझे मेरा प्रोडक्ट वहाँ से अवेलेबल मिलेगा, मैं जब मर्जी जाके वहाँ से लेके आ सकता हूँ, और किस प्राइस पे मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्वालिटी उसकी कैसी है, उसकी फिनिशिंग देख लेना कैसी है। मेन काम आपका सोर्सिंग पे, प्रोडक्ट और सोर्सिंग दो मेन चीज़ होती है। जब ये आपकी क्लियर हो जाती है ना, इसके बाद फिर आपका समझ लगे, जब ये दो चीज़ें क्लियर है तब आपका स्टोर बनता है। रास्ता बताऊँगा कि रैंकिंग ये फलाना ये वो नहीं, सिंपल एक चीज़ बताता हूँ, रैंकिंग होती क्या, रैंक किस तरह करवा सकते हो, हर वो चीज़ आप अपना स्टोर रैंक करवा सकते हो जिससे आप लोगों को फ़ायदा दो। जैसे कि अगर आप एक इंसान बेच रहा है एंट्री सेल कर रहा है, वो बेच रहा है जी 300 रुपये की, आप अगर उसी चीज़ को 300 में अगर आप उसे दो एंट्री दो, वो उससे लेगा कि आपसे लेगा, प्रोडक्ट भी सेम हो। हर वो चीज़, हर वो प्रमोशन, हर वो तरीका, हर वो आइडिया जो जिससे कस्टमर आपकी तरफ आ सकता है, वो चाहे एक आए, चाहे वो 20 आए, चाहे 10 आए, उसे आप रैंकिंग में इंक्लूड करते हैं जिससे आपका स्टोर रैंक होता है। खाली ये नहीं कि आप कस्टमर को बुला रहे और आप उसने कहा भाई ये मुझे ये चीज़ ले लो, ये भी नहीं होता। कस्टमर भी ना मनमाइल वाले हिसाब होता है, वो मालिक होता है हिसाब का, वो आएगा वो आपसे चीज़ लेगा ना, वो चले जाएगा। आपका काम होता है कि वो आपकी शॉप पर रुके, आपसे प्रोडक्ट भी ले, प्रोडक्ट लेने के बाद आप उसे इतना ही सेटिस्फाई कर रहे हैं कि वो आपको एक रिव्यू दे के जाए। क्योंकि जब वो रिव्यू दे के जाएगा, ऐसे जैसे अगर आपने एक नया स्टोर बनाया ना, अगर आप उस पे इन 15 या 20 डेज के अंदर मैक्सिमम 25-30 रिव्यूज ले लेते हो, आपका वो प्रोडक्ट दराज के होम पेज पे फर्स्ट नंबर पे अपने वो कैटेगरी में रैंक करेगा। ये आपकी होती है, यानी कि जितने आपके रिव्यूज हैं, जितनी आपकी ये चीज़ें हैं, आप उसमें रैंक करवा सकते हो। कस्टमर आप कस्टमर को देखना है। मैंने एक चीज़ दोबारा चीज़ बोलूंगा कि अगर आपको बेचना आता है ना, आप हर चीज़ बेच लोगे। अगर बेचना नहीं आता ना, आप कस्टमर को ना मुझे फ्री भी ले लो, वो कभी भी नहीं आपसे लेगा। जैसे को दराज हमने कर लिया, आपका टाइम का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।